आज दी मीटिंग दे विच उपस्थित सारे मेरे भरावो बजुर्गो बच्चो मीडिया वाले भरा साड़ी भैन भी बैठी ने सारयां नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला असी धन्नवाद करांगे प्रभ जी जी दा जिन्हां ने एक बहुत चंगा उपराला किया है, वैबसाइट बनाई है ते पूरा पूरा उहदे च खुल के वे इहनां दा नुकसान की है, किवें भविख साडा होएगा, वह पूरा उहदा वेरवा दिता है। जिहदे च चंगा एक प्रचार जिहड़ी है जी असी कमी अजे तक समझदे सी भी आपां लोकां नूं किवें दसीए, लोकां तक अपनी गल किवें पहुँचाईए, वह बहुत चंगा उपराला इन्होंने किया है। उन्हां दे बहुत धन्नवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने ये प्रचार का रस्ता जिहड़ा है वह बहुत चंगा रस्ता खोजता है। तो सगों मैं तो यह भी कहांगा कि भी अगे जे होर दूजी भाषा दे विच, क्योंकि पंजाबी च बनाया है, जे दूजी भाषा दे विच भी बन सकता है तो बहुत चंगा है, क्योंकि दक्षण ज साइड जिहड़ी है उधर ना हिंदी समझते ना पंजाबी समझते हैं। सगों असी यह भी सोचते सी, पहला एक वकील साहब ने भी जोगिंदर सिंह तूर ने उन्होंने भी 7-8 हज़ार किताब छपवा छापी सी इन्हां कानूनां च काला की है, पर वह भी हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी च ही रही ते जिहड़ी दक्षण दीआं भाषावां ने उधर साडी गल नहीं फैल सकी। ते जे उधर भी किसी तरह फैलण दा उपराला हो सकता है उन्हां भाषा च किसी तरह आपां कर सकदे आं ते जरूर करना चाहीदा। दूजी गल जिहड़ी है जिहड़े दे विच साडे सारे भरावां नूं जिन्ने असीं बैठे हाँ, मैं तो कहांगा सने पत्रकारां दे भी इसे देश दे नागरिक ने, इसे पंजाब दे नागरिक ने, आपां सारयां नूं बड़े गंभीरता नाल सोचना पवेगा कि देश है की सी, हो की गया ते आपां नूं करना की पवेगा। अज जे आपां अपने देश की हालत ते निगाह मारीए, जिहड़े देश नूं सोने की चिड़ी कहा जाता सी, जिहड़ी खेती नूं उत्तम खेती कहा जाता सी, साडे बजुर्ग नौकरी नहीं सी कराते अपने बेटे तो, 1962 की लड़ाई तो बाद सरकार साडे बजुर्गों कोल आउंदी सी वी तेरे चार बेटे ने, चार पुत्र ने तेरे कोल, एक पुत्र देश की सेवा वास्ते जरूर दे। यानी उस टाइम साडे सिर करजा नहीं सी, उस टाइम करजे च सुसाइड नहीं सी करदे, पर अज की हालत हो गई है। अज भुखमरी दे विच साडा देश 107 देशों दे विच 102वें स्थान ते खड़ा है। 2014 का जिहड़ा अंकड़ा है नमूना सर्वेक्षण का, 45% बच्चे भारत के कुपोषण का शिकार ने, उन्हां च खून की कमी है, उन्हां दा वजन घट है, उन्हां दी बढ़वार घट है। अज साडे देश दे विच 20 करोड़ लोग रजमी रोटी नहीं खा सकते, हर 32 मिनट दे विच एक किसान आत्महत्या कर लैंदा है, मर जांदा है करजे तो दब के। पंजाब वर्गे स्टेट दे विच 3-4 सुसाइड रोज़ दे ने। इलाज साडी 80% आबादी है जिहड़ी महंगे इलाज नहीं करा सकदी। यानी इस देश दे विच सिर्फ जिउंदा रहने वास्ते ही बंदा लड़ रहा है,
तरक्की करना चंगिया सुविधावां लैणा ते बड़ी दूर की गल है। जिउंदा जिउंदा रहना औखा हो गया। साडी लड़ाई केवल जिउंदा रहण दी है भी आपां जिउंदे किवें रहीए। इस सारे तो बावजूद जिहड़े तीन काले कानून बनाते इन्हां दे नाल पूरा एग्रो बिजनेस पूरा खेती का व्यापार 15 लाख करोड़ का ये सारा कारपोरेट घराने करनगे। खेती करने वाले खेती च कम करने वाले खेती का व्यापार करने वाले मंडिया के आढ़ती खाद बीज दवाइया वाले ये सारे दे सारे बेरोजगार होंगे। इन्हां सारिया का कारोबार कल्ली कंपनी करेगी। ब्रॉलर दे विच 2004 दे विच कंपनी आई ने अज 95% ब्रॉलर का कारोबार कारपोरेट को चला गया। सेब दे विच छोटा व्यापारी इन्होंने खत्म करता। चाह पत्ती जिहड़ी है उहदे विच भी यही हाल हो गया। हुण कोले दीआं खदानां वह भी चंद लोगों के हवाले करती हैं। कोला भी 4 गुणा महंगा हो गया। तो हाँ हम तुम जे इटा का रेट पूछो तो एकदम 1.5 गुणा हो गया। यानी पूरे देश का जोड़ा कारोबार है अगे 2024 तक जोड़ा ऑनलाइन बिजनेस है वह भी कारपोरेट को जाएगा। पूरा बाजार का जोड़ा कारोबार है वह भी कंपनियों को जाएगा। भाई करोगे की सारा देश से बेरोजगार हो जाएगा। ये अमरीका च तो चल सकता है। अमरीका च जे बच्चा पैदा होंदा है सरकार की जिम्मेवारी है। बंदा बीमार हो गया उन्हें टेलीफोन करना है, एम्बूलेंस आएगी इलाज कराएगी घर छड़ के जाएगी, सरकार की जिम्मेवारी है। पढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी है। जे बच्चा तुसी नहीं पाल सकते सरकार खो के ले जाएगी, सरकार पालेगी। बुजुर्ग हो गया पेंशन देगी। बेरोजगार हो गया तीजे दिन तुहाडे घर पत्ता आ जाएगा। पर हिंदुस्तान च की है, भारत दे विच की है? भारत दे विच तो कोई सुविधा नहीं है। तो ये जिहड़े कानून ने इन्हां नाल इन्नी बेरोजगारी होर वध जाएगी। जिदन का मोदी आया है दसदे ने कई करोड़ रोजगार घट गए ने। 2 करोड़ नौकरियां कहा सी हर साल देंगा, इनिया 10-12 लाख का आंकड़ा दस रहे थे, 10-12 लाख 10-12 करोड़ रोजगार जिहड़े ने वो घट गए ने। इन्ने परिवार होर बेरोजगार हो गए। तो अगे जे 80% जनता ये सारी बेरोजगार होगी तो फिर तो भुखे ही मरणगे। होर इलाज तो है नहीं कोई सरकार से, सरकार के को देखोड़ दे तुहानूं देण वास्ते कुछ है नहीं, तो फिर जिउंदे किवें रहांगे? साडी जिहड़ी अज की लड़ाई है वह अज की लड़ाई अमीर बनन की नहीं है। अमीर तो असीं बन ही नहीं सकते। साडी तो लड़ाई जिउंदा रहण की है। जदों दे असीं धरनियां ते बैठे हाँ उस तो बाद कई कानून वो बन गए जिन्हां दे होर तुहाडे ते कुहाड़ी चल गई। अंदोलन दे विच हरियाणा सरकार ने कानून बनाता भी जिहड़ी उन्होंने जमीन चाहिए हुण तुहानूं पुछण की लोड़ कोई नहीं, जिहड़े इत्थे जाके मर्जी कब्जा कर लैण। अजीरी तुसीं इस वारी देख रहे हो नहीं बिकरी। 17 मोस्टर की सीलिंग करती, पहला बिकती सी, असी 22 तक की बेची, असी 24 तक की बेची, जिन्ना मोस्टर उन्ना कट ला दो। हुण कहिंदे नहीं असी तो 17 तो बाद जिन्हें लई लसेंस कैंसल करांगे। जे कोई बोलता है पिछे अड़ती है तुहाडे नाल लगे सी 4-5 ते रेड कीती ते घर बिठाते, डंडा भी नाल ही है। हुण पंजाब वाले बहुत आकड़दे ने, यह बहुत एजीटेशनजा करते हैं। 50 किलोमीटर का एरिया सेंटर सरकार ने अपने अंडर ले लिया है। तो 50 किलोमीटर के एरिए जो कोई बगावत करेगा, कोई बहुता रौला पाएगा,
कोई बहुता अंदोलन करेगा या बीजेपी की मुखालफत करेगा चक के समैक पा देंगे RDX पा देंगे बस पंज सत्तां दे किता चाहिए फिर सारे बह जाएंगे कदों तक बर्दाश्त करोगे होएगा कि रिजल्ट की है अगे जड़ी खेती है वह भी कारपोरेट ने करनी है अजे तो खेती का जो व्यापार है वह कारपोरेट करेगा अगे जी खेती करनी है जो ठेका प्रथा उसका एक हिस्सा है हरियाणा दे विच इन्हां ने लैंड बैंक बनाता जिन्नियां पंचायती जमीना या किसी ने बेचना है किसी ने 2 किले 4 किले अद्धा किला 1 किला किसी ने बेचना है वो सरकार खरीदेगी सरकार वो लैंड बैंक बना के उस लैंड बैंक जाएगा तो वो कितने भी एक जगह उन सारी जमीन इकट्ठी कर लेंगे एको जगह 5000 किला हो जाएगा 2000 किला हो जाएगा वो किसी कंपनी को देंगे तो 5000 किले वाला जिहड़ी कंपनी होएगी वो तुहाडे पड़ोस खेती करेगी तो तुसीं 5 किले वाले 10 किले वाले वो मुकाबले इत्थे खेती नहीं कर सकते आखिरकार 2 साल बाद 4 साल बाद तुसीं भी ये कहोगे यार एक कंपनी वाले अगे हाथ जोड़ोगे तुसीं ही लै लो साडी जदों उन्हां दा सारी ते कब्जा हो गया फिर जो मर्जी भुखे मारन तुहानू महंगे रेट ते देण तुहानू जो मर्जी करन ये पूरा खेती जिहड़ी है सरकार ये कहिंदी है भी WTO के तहत जिहड़ी शर्त है भी किसी देश की सरकार अपने देश के किसान नू वर्ल्ड मार्केट तो ज़्यादा रेट नहीं दे सकती वर्ल्ड मार्केट तो ज़्यादा रेट देना आपत्तिजनक सबसिडी समझा जाएगा यानी जिहड़ा तुहाडा MSP है वो वर्ल्ड मार्केट तो ज़्यादा है 1925 रुपये तुहाडी कणक का रेट है पर वर्ल्ड मार्केट के 1600 रुपये बाजार के जाके बेचोगे 1600 रुपये बाजरे का रेट MSP 2250 है पर मार्केट के 1200 है इस करके WTO की शर्तों के तहत MSP दे नहीं सकते तो वो MSP बंद करने वास्ते इन्होंने कानून बनाए ने जिन्हां नाल तुसीं लड़ रहे हो साथियों सवाल इस चीज़ का है तुहाडा ग्राफ हर 7 साल के दूजे वर्गों नालों अद्धा हो जाता है यानी जे दूजे वर्ग के 100 रुपये वधदे ने तो खेती करने वाले के 84 वधदे ने अगले साल फिर इस तरह उस तो अगले साल फिर इस तरह 7 साल के जे दूजे वर्ग का 1000 रुपया वध्या तो तुहाडा 500 बनता है हर 7 साल के आमदन अद्धी हो जाती है तो इस हिसाब नाल चलदियां चलदियां अज पोजिशन जिहड़ी है अज पोजिशन इस हालत च पहुँच गई है भई देश की GDP दे विच जिहड़े कहिंदे ने भी खेती तो आ ही कुछ नहीं रहा देश की GDP दे विच तुहाडा हिस्सा 10% रह गया जिहड़ा 1950 दे विच कितें 60% हुंदा सी हुण सवाल इस चीज़ का है कि तुहाडे कोल जिउंदा रहण जोगी आमदन नहीं बची तुहाडे तो तुसीं गरीब तो होर गरीब थले तो थले जांदे रहे ये पचाए किने तुसीं ते कमाया तुसीं ते 20 गुणा होर पैदावार वधाती बहुत पैदावार की गई कितने तुसी सोना खरीदते हो 1970 जे तुसी एक तोला सोना खरीदते 2.5 क्विंटल कणक का आता सी जे हुण तुसी सोना खरीदते हो तो 25 क्विंटल कणक का आता इत्थे गई तुहाडी आमदन सारी बाजार च गई तुहानू किसी ने कणपटी ते पिस्तौल तरके नहीं लुटिया हुण चब्बर घाटी के डाकुआ ने नहीं लुटिया तुहानू लुटिया कानून बना के कानून बनाए ने साडे नीतिकारां ने साडे नीतिकार वो जिहड़े पार्टियां दे नुमाइंदे हैं वो नीतिकार किने चुने ने वो पार्टियां दे नुमाइंदे किने सत्ता दे विच पछाए वो तुसीं पछाए वोट तुहाडी है तुसीं चुन के उहनां नूं भेजिया उहनां ने तुहानू लुटिया अंग्रेज़ों के टाइम सानू यह पता सी असी किहदे नाल लड़ना है अगे इहो जे कानून आ गए तुहानू यह भी नहीं पता लड़ना किहदे नाल है दुश्मन तुहाडे सामने नहीं है तुहाडी फसल का बीमा किया फसल खराब होगी उहदा मुआवजा नहीं मिलिया दसो किहदे नाल लड़ोगे
किसी ने बीमा कंपनी का दफ्तर देखा, किसी ने किसी शहर के किसी बीमा कंपनी का दफ्तर देखा, फिर किने को जाइए? पैसे तो बैंक ने कट ले, हम रोइए कि अगे जाके भी साडा बीमा दो। अगे सानू ये भी नहीं पता साडी लड़ाई किदे नाल है। साडा जिहड़ा सारा नुकसान किया है वह इस सिस्टम ने किया है। इस सिस्टम खड़ा करन दे विच आम जनमानस का हथ है, आम जनमानस ही इनू बदल सकता है। साडे राजनेता ने साडे नीतिकारा ने नीतियां बनाई है, वो नीतिकार जिहड़े ने वह दूषित हो गए, जिहड़े नीतिकार ने वह भ्रष्ट हो गए। उन्होंने कंपनिया तो वड्डे पैसे वाले तो पैसे ले ते उन्हां दे पक्ष दे कानून बनाए ते तुहाडे लुटण दे कानून बनाए। वह राजनीति गंदी होगी, उस गंदी राजनीति ने तुहानू मारता। अज देश दे अद्धे राज्यसभा दे मैंबर कंपनिया दे मालिक हैं, पैसे मार के भजदे ने, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कदे पूंजीपति दे विरुद्ध कोई तुसी देखिया भी किसी ने फांसी खाई है? 20,000 करोड़ रुपया एक ने मार लिया, कदे तुसी देखिया उन्हें फांसी खाई है? इत्थे 2 लाख रुपये फांसी खाता है किसान, जिन्ना पूरे देश के दे किसानों के कर्जा है। खेती का कर्जा एग्रो इंडस्ट्री का वक्रा कढ़ दईए, उस तो 2 गुणा कर्जा कारपोरेट का है। 2 गुणा मार लिया उन्होंने, बैंकों का मार लिया 15 लाख करोड़। अज NPA जिहड़ा वसूलिया नहीं जा सकता, सारा कंपनियों का, सारा वड्डिया लोगों का है। उन्हां कोल उस तो 4 गुणी प्रोपर्टी, उस तो 10 गुणी प्रोपर्टी है, कोई नीलाम नहीं कर सकता। देश नूं लुट लिया, इहदा हल की है? पानी की मारी खेती पानी नाल ही हरी होएगी। जे राजनीति ने देश नूं मारिया तो राजनीति ही देश नूं बचाएगी। सवाल यह है कि राजनेता बदलने की लोड़ है, भ्रष्ट राजनेता बदलने की लोड़ है, ईमानदार सेवादार लोग भेजने की लोड़ है। राजनेता भेजने की लोड़ नहीं है, सेवादार भेजने की लोड़ है। जे सेवादार भेजोगे, देखो देश को आजाद कराने वास्ते किन्ने लोगों ने शहीदियां दित्तियां, उन्होंने देश को बचाने वास्ते अंदोलन किए ने, ना कि राजनीति करने वास्ते। ठीक उस सोच नाल तुहानू अगे आना पेगा भी असी देश नू बचाण वास्ते राजनीति करनी है, ना कि अमीर बनने वास्ते, ना कि लुट्टण वास्ते। साडे मायने बदल गए ने राजनीति दे। राजनेता तुसी चुन सकदे हो, तुसी चंगे भी चुन सकदे हो, तुसी अपने विचों भी चुन सकदे हो, पर जे समझ च आ जाए तुहाडी, फिर उहनां कोल कुछ नहीं है। किसी पार्टी की फैक्टरी नहीं लगी वोटां दी, किसी पार्टी कोई फैक्टरी नहीं है, वोटां तुहाडियां है, तुसी अपनी वोट अपने कोल पा सकते हो। कई लोग पैसे दो पैसे वंडदा फिरदा, हुण एलनाबाद दे विच वोट वास्ते पैसे वंड रहा है। असीं कह रहे लै लिओ पैसे भी लै लिओ, वोट तो अंदर जाके पानी है। वो दारू लैके आंदा दारू भी पी लो, वोट तो अंदर जाके पानी है। भाई तुसी वोट दे मालक हो। अज पंजाब दे विच 80 लाख तो ज़्यादा वोट किसानां दी है, जमीन दे मालकां दी। मजदूर भी दुखी तुहाडे नाल लगन वास्ते बैठा है, शहर वाले दुखी तुहाडे नाल लगन वास्ते बैठे ने। 80 लाख वोट तो वध ते कल्ले किसानां दी है, 59 लाख वोट नाल सारी सरकार बनी हुई है। जिन्नी सरकार बनाने वास्ते वोट चाहिए उन्ने तुहाडे कोल, उस तों वध ते तुहाडे अपने कल्लियां दी है। यानी जिन्ने पैसे नाल सुधार हो सकता है उन्ना पैसा तुहाडे घर च पिया है, जिन्ने माल नाल सारा सौदा बदलिया जा सकता है उन्ना माल तुहाडे घर च पिया है। असीं लगे हैं पिछे किसी बादल के पिछे लगे, कितने आम आदमी के कितने कांग्रेस के तलवे चटते फिरते हैं, स्वागत करते फिरते हैं, नाले मत्था टेकते फिरते हैं, उन्होंने नाले माला पाने, नाले अंदर जाके नोट देने। होर समझो इन्नी कु तो समझे ना ही, बचाण कौन आएगा तुहानू? चंद तो आएगा कोई उतर के? कौन कि भरोसे हो, कि भरोसे हो? कोई अमरीका तो तुहानू बचाण वास्ते आएगा? आखिर कौन बचाएगा? आप खड़े होके कह दें असी तो ऐ राजनीतिक रहो, देखो फिर नज़ारे होर।
पांच साल होर निकल जे अगे इलैक्शन भी नहीं होना तो यह हाल होएगा। कौन बचा आएगा? तुम आप बच सकते हो, तो ताकत है बचण की ना। तो इन्ना ही तो कर लिया अपने कैंडीडेट खड़ा करते छित्र मारो इन्होंने राजनेता सारे भजा दो पिंडों। की लगते हैं साढ़े जो साढ़े दुश्मन बने ने? असी लोगों को बर्बाद करने वास्ते बनाया सी इन्हों, असी इस वास्ते बनाया सी तुसी सैकड़े करोड़ की प्रॉपर्टी बना के खड़ा हो जाए जिहड़ा एमएलए बनता है, इस वास्ते बनाया सी। ये बिजनेस है, व्यापार है, रणनीति। पैसे तो सत्ता, सत्ता तो पैसा, फिर पैसे तो सत्ता, फिर सत्ता तो पैसा, गुंगा कर दी। जे असी बोलीए साढ़े ने गड्डियां चढ़ा के मार देंगे सानू, असी बोल भी नहीं सकते। मुकदमे बना देंगे, सिर पाड़ देंगे साढ़े, हड्डियां तोड़ देंगे साढ़िया, डंडे मार मार के 40,000 तो वध 42,000 लोगों के केस बनाते हरियाणे च, 200 तो वध केस रजिस्टर्ड कराते हरियाणे च, 307 दे असी किसी उंगल भी नहीं लाई। मुकदमा 307 का, तुम बैरीकेड तोड़िया 307 का, तुम रस्ता रोकया 307 का। करिए की 100 तो वध मुकदमे मेरे दर्ज ने, 40-42,000 लोगों के मुकदमे दर्ज हैं इस टाइम हरियाणे हरियाणे की मैं गल कर रहा। भाई करिए की अंदोलन करिए ते मुकदमे झेलो, डंडे खाओ, सिर पड़वाओ, मार देंगे। ये नेता इस वास्ते पाले सी, रब तो बाद दूजी खुदाई होंदी है। सरकार सरकार नहीं कुचलना शुरू करती, करता गड्डिया नाल कदों के तक बर्दाश्त करोगे? अगे कुछ करने जोगे नहीं रहोगे, भी दसता तुहानू अजे टाइम अजे संभल जाओ। मैं कुछ भी नहीं है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, तुसी कर सकते हो सारा कुछ। पंजाब का इलेक्शन है, तुसी सारे पंजाब दे रहे हो, की नहीं कर सकते तुसी? जिन्ने तुसी बैठे हो, जे इन्ने बंदे तुसी ठान लियो कि असी पंजाब नू बचाना है, फिर आपां देश नू बचाना है। जे इन्ने बंदे तुसी जुट जाओ, इन्ने बंदे सारे पंजाब नू हिला के रख देणगे इन्ने बंदे। भाई उठो तो सही, करके देखो तो सही, शुरुआत तो करो सही। कदों तक आप दूजे के भरोसे से बैठे रहेंगे? कौन बचाना जाएगा सानू? कोई नहीं बचाता, भलेखे चला रहा जे। अं जो सोचिए ना, कोई होर कोई राजनीतिक पार्टी कोई बादल बचा देगा, आप वाले बचा देंगे, कोई दूजा तीजा बचा देगा, कोई नहीं बचाता जो आप आपे नहीं बचना चाहते। जेड़ा अपनी राखी खुद नहीं करनी चाहता ना, उसकी राखी तो मालिक भी रब भी नहीं करता। जेड़ा खुद कुछ नहीं करना चाहता, उसकी राखी वास्ते रब भी नहीं करता। खुद तुम करना चाहो ना, खड़े हो ना, एक हल्के च एक बंदा लभदा तुहानू ईमानदार लभो, बनाओ अपने विचों बनाओ। होर दूजा रस्ता कोई नहीं साडे कोल। साडे ही बंदे कहिंदे ने असीं राजनीति का रहो भाई, की कर ले फिर राजनीतिक रह के? हुण तक तो कोई शेर मारिया नहीं, हुण तक तो साडे कोल कोई किसानां दी आर्थिक स्थिति रुकी नहीं। कोई कहिंदा मैं 50 साल तो लग रहा, कोई कहिंदा मैं 20 साल तो लग रहा, फिर की हो गया? की कर लिया फिर? तो साड़ी बेनती है, ये सोच के असी मिशन पंजाब चलाया कि आज जिहदी वोट है उहदा राज होए, जिहदे कोल नोट है उहदा राज ना होए। इन्नी कु गल समझ लियो, ये नोटा वालिया का राज है, ये वोटा वालिया का राज होना चाहिए, बस इन्नी कु ते गल है। इन्नी कु गल समझ नहीं आ रही? इस करके सानू लोड़ है इस टाइम कट्ठे होने की। ये मौका खुंज गया तो फिर बस
जिमें हरियाणा की कहावत है मौका चुकी डूमनी तो फिर गाय आल पताल दुबारे मौका कौन जाने तुहाडे कोल। इस करके सारे इकट्ठे हो जाओ अपने बिचों बंदे नूं अगे लाओ। मैं तो पहले ही कह हटिया कि मैनू चौधर की लोड़ कौन नहीं, मैं पंजाब चो इलैक्शन नहीं लड़ना, तुहानू लड़वाना सारे नूं इकट्ठे करके। बस इन्नी तो नहीं नहीं नहीं, तख्त बदल दो ताज बदल दो नहीं, तख्त खो लो ताज खो लो। केड़ा दिंदा राज सराफत नाल, सराफत नाल दिता किसे ने? गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कौन किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। अपनी ताकत दिखा दो, कुट कुट के लो, भजा भजा के लो। जड़ा पिंड च बड़े ना नेता है उन्हें पुछो दसो साड़ी इस हालत का कौन जिम्मेवार है। 70 साल तो तुम साढ़े ते राज कर रहे हो, इस 70 साल साड़ी बर्बादी का जिम्मेवार दसो कौन है? जे तुम जिम्मेवार हो तुम मॉडर्न लुटे रहे हो, तुम मॉडर्न डाकू हो। मॉडर्न डाकू साढ़े पिंड च बढ़ जाए क्यों बढ़ जाए फिर मॉडर्न डाकू साढ़े पिंड च? भजाओ इन्होंने पिंडों, असं डाकूआ वोट पा रहे हैं, असं लुटेरिया वोट पा रहे हैं, असं लुटेरिया फिर चौधर दे रहे हैं। इन्ना कुछ समझना पेगा। मेरे को जिनी कोई जबान है बस इन्नी कु ही है, बाकी तुसी अगे पिंडा जाके समझा सकते हो। कोई बहुत लंबा चौड़ा राष्ट्रीय मीडिया अपना साथ को नहीं जे दिंदा, आप बेचारे छोटे यूट्यूब चैनल वाले नाल लगते हैं। तो मैं तो इन्हें अगे भी हाथ जोड़ के बेनती करा मीडिया वाले अगे भी तुसी भी हिंदुस्तान च रह रहे हो, जे हिंदुस्तान भारत के रह रहे हो, तुसी पंजाब के रह रहे हो। जे पंजाब बर्बाद हो गया, जे भारत बर्बाद हो गया, तुसी किधर रहोगे? कल तुहाडे ते भी सौण कामां लगनियां ने, लातियां ने सरकार ने, हुणे चौथा स्तंभ गिणिया जांदा मीडिया। तुसी भी मिशन पंजाब दे विच, तुसी भी पंजाब नूं बचाउण वास्ते लगो, तुसी भी भारत नूं बचाउण वास्ते लगो। बस इन्नी कु बेनती करदा, माफ़ी चाहूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। आज दी मीटिंग दे विच उपस्थित सारे मेरे भरावो, बजुर्गो, बच्चेओ, मीडिया वाले भरा, साडी भैणां भी बैठियां ने, सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो